हमास और इजराइल के बीच लगातार कई दिनों से युद्ध जारी है। इसी बीच हमास ने ना जाने कितने रॉकेट इजराइल पर दागे, लेकिन इजराइल का आयरन डोम इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा है। ना जाने कितने ही रॉकेट को इजराइल ने इस आयरन डोम के जरिए रोका और नष्ट किया। आयरन डोम एक ऐसा मिसाइल है जिसके द्वारा हवा में ही रॉकेट्स को खत्म कर दिया जाता है। वही अब भारत के लिए खुशखबरी आई है। अब भारत भी अपनी आयरन डोम बनाने जा रहा है। भारत 400 किलोमीटर रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल स्वदेशी लॉन्च रेंज का निर्माण कर रहा है। यह मिसाइल सिस्टम जमीन से लेकर हवा में मार करने में सक्षम होगा। यह मिसाइल सिस्टम 3 लेयर का होगा, यानी 3 स्टेज का होगा। ये दुश्मन के फाइटर जेट, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रॉकेट या मिसाइल को 400 किलोमीटर रेंज में मार गिराने में सक्षम होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरह की मिसाइल प्रणाली बनाने का प्रस्ताव मिल चुका है, जिसको कुछ ही दिनों में क्लियरेंस भी मिल जाएगा। इस मिसाइल को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मिसाइल के बनने के बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भारत इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज का मिसाइल बना चुका है। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है। यह मिसाइल रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम जैसा होगा। भारत के पास पहले से ही S-400 सिस्टम है, जो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात किए गए हैं। कहा जा रहा है कि 2 और स्क्वाड्रन को भारत लाना है, लेकिन फिलहाल स्क्वाड्रन को लाने की तारीख तय नहीं है। भारत में DRDO जमीन से लेकर युद्धपोत हवा में छोड़े जाने वाली मिसाइलों को लेकर काफी विकसित हो चुका है। फिलहाल भारत की 3 सेना थल, जल और वायु के पास मिडिल रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। वहीं चीन के पास भी रूस की तरह S-400 की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये मिसाइल रूस के S-400 एकर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले कम ताकतवर है। आपको बता दें कि भारत में भारतीय वायुसेना इस एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है, यानी ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी सैन्य शक्ति और ज्यादा इस मिसाइल के आने से बढ़ जाएगी।